Hello students, today we will be continuing with our banking operations lecture. So we have already done a part of negotiable instruments, that is we have already done meaning, definition and features, and today we will continue with the other topics of negotiable instruments. Okay, now the first topic we have to start today is the types of negotiable instruments. There are four types of negotiable instruments which we will be studying one by one. Now the first is promissory note, then we have bills of exchange, then checks, and lastly hundis. Okay, so we will learn about them one by one. Okay, now the first negotiable instrument which we have to study is promissory note. Let's see the definition. A promissory note is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Okay, let's see it line by line. Okay, a promissory note is an instrument in writing. This we have already seen in the feature that negotiable instruments are supposed to be in writing. मतलब negotiable instruments हमेशा लिखे हुए होने चाहिए, written form में होना चाहिए, ठीक है? Next, containing an unconditional order. Again, this we have already done in the feature कि negotiable instruments में कोई conditional नहीं होनी चाहिए, ठीक है? Unconditional undertaking होनी चाहिए. Signed by the maker, should always be signed by the maker. यानी कि जिसने भी उसको लिखा है, बनाया है, उसके द्वारा वो साइन होना चाहिए. टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन सम ऑफ मनी की पेमेंट होनी चाहिए. टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ऑर्डर करके होना चाहिए या बियरर होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को. बियरर हम पहले भी बता चुके हैं, बियरर जो भी होल्ड करता है उसको. ओके, ये हमारी प्रोमिसरी नोट की एक डेफिनेशन थी. ये सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मेंशन की हुई डेफिनेशन है. सेक्शन याद रखिएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में आप एक स्पेसिमेन देख रहे हैं जो कि मैंने प्रोमिसरी नोट का डाला हुआ है. स्पेसिमेन में अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि ड्रॉअर और मेकर क्या होता है, ऑर्डर का क्या मतलब है, पे या इंडोर्सर कौन है. ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं. नाउ वी आर हैविंग सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट व्हिच वी विल बी सीइंग. द फर्स्ट पॉइंट इज मस्ट बी इन राइटिंग, दैट इज अ मियर वर्बल प्रोमिस टू पे इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट. क्या मतलब हुआ? सबसे पहली बात तो राइटिंग में होना चाहिए. इसका मतलब हुआ कि एक वर्बल प्रोमिस यानी कि बोला हुआ प्रोमिस इनफ नहीं है, आपको रिटन फॉर्म में लिखा देना पड़ेगा, तभी उसको प्रोमिसरी नोट माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मस्ट सर्टनली एन एक्सप्रेस प्रोमिस और क्लियर अंडरटेकिंग टू पे. That is, a mere acknowledgement is not enough. आपको लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी द अदर पर्सन. ठीक है, कोई ऐसी वैसी लैंग्वेज नहीं, बहुत सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, कोई वेग लैंग्वेज नहीं चलेगी. ओके, थर्ड पॉइंट, प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल. ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था, यहाँ फिर से देखते हैं. द प्रॉमिस टू पे मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम आउटसाइड कंटिंजेंसी और इवेंट. क्या मतलब हुआ? कि किसी कंडीशन के बेस पर प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम आपको प्रॉमिस किया हुआ अमाउंट पे करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, साइंड बाय द मेकर, दैट इज द पर्सन हु प्रॉमिस टू पे मस्ट साइन इन एनी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जिसने भी प्रॉमिस किया है पेमेंट करने के लिए उसको हम मेकर कहेंगे, और
उसके सिग्नेचर होना कंपल्सरी है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेकर मस्ट बी सर्टन, दैट इज द नोट सेल्फ मस्ट शो हाउ क्लियरली हु इज द पर्सन अग्रीइंग टू अंडरटेक द लायबिलिटी टू पे द अमाउंट. ठीक है, क्या मतलब हुआ? मेकर का पॉइंट एकदम क्लियर और सर्टन होना चाहिए, एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन पर्सन मेकर है और कितना अमाउंट वो अग्री कर रहा है पेमेंट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट, पे मस्ट बी सर्टन, दैट इज द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस हैज बीन मेड मे बी असर्टेंड बाय नेम और डेजिग्नेशन. जिसको भी आपने पेमेंट करने के लिए बोला है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन बहुत क्लियर लैंग्वेज में मेंशन होना चाहिए आपके प्रॉमिसरी नोट पर. ओके, नेक्स्ट, प्रॉमिस शुड बी टू पे मनी एंड मनी ओनली. मतलब मनी मीन्स लीगल टेंडर मनी एंड नॉट ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स. मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात कि प्रॉमिस यहाँ पर सिर्फ मनी पेमेंट का हो रहा है, किसी और चीज के पेमेंट की बात नहीं की गई है या किसी और फॉर्म ने पेमेंट की बात नहीं की है. ठीक है, और आगे आपने लिखा कि मनी शुड बी इन लीगल टेंडर. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है. एंड नॉट ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स, एंटीक कॉइन्स की बात यहाँ नहीं कह रहे हैं. लीगल टेंडर जो भी चलती हुई करेंसी आपकी कंट्री में फॉलो की जाती है. ओके, लास्ट पॉइंट, अमाउंट शुड बी सर्टन, सर्टेनिटी नॉट ओनली रिगार्डिंग द पर्सन टू हुम और बाय हुम द पेमेंट इज टू बी मेड बट ऑल्सो रिगार्डिंग द अमाउंट. कितना अमाउंट है ये सर्टन होना कंपल्सरी है, किसको पे किया है, किसने पे किया है और कितना अमाउंट पे किया है, ये तीनों चीज बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए और बहुत सर्टेन होना चाहिए. ओके, ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रॉमिसरी नोट की. नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी आर हैविंग पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट. कौन होते हैं पार्टीज प्रॉमिसरी नोट में? फर्स्ट इज मेकर. He is the person who promises to pay the amount stated in the note. He is the debtor. क्या मतलब हुआ? जो person promise करता है payment करने के लिए, यानी कि जो debtor होता है वो हमारा maker होता है. ठीक है, next, payee. He is the person to whom the amount is payable. He is the creditor. जिसको payment मिलना होता है और जो creditor होता है उसको हम पे ही कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, होल्डर. ही इज द पर्सन टू हुम द नोट माइट हैव बीन एंडोर्स्ड और कैन बी द पे. एंडोर्समेंट मैंने बताया था ट्रांसफर करने को कहते हैं. आपने अपना प्रॉमिसरी नोट किसी और को ट्रांसफर किया है तब उसको होल्डर कहेंगे, या अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया है तो जो पेई होता है वही होल्डर होगा. ओके, नेक्स्ट, एंडोर्सर कौन होता है? व्हेन द होल्डर ऑफ द नोट ट्रांसफर और एंडोर्सेस द इंस्ट्रूमेंट टू एनीवन एल्स द होल्डर बिकम्स द एंडोर्सर. क्या मतलब हुआ? जो पर्सन होल्डर होता है नोट का, अपना प्रोमिसरी नोट ट्रांसफर करता है किसी और को, तब होल्डर ही एंडोर्सर बन जाता है. ठीक है, लास्ट, एंडोर्सी. टू हुम इट इज एंडोर्स्ड, मतलब आपने अपना प्रोमिसरी नोट किसी और को ट्रांसफर किया, जिसको ट्रांसफर किया उसको एंडोर्सी कहते हैं. ओके, आई होप दीज पार्टीज आर क्लियर. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज बिल ऑफ एक्सचेंज. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू
or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Further, a bill of exchange therefore is a written acknowledgement of the debt. Written form mein hona chahiye, verbal form nahi hona chahiye. Written by the creditor and accepted by the debtor. Likha creditor ne hona hai aur accept debtor ne kiya hai. Okay? There are usually three parties to a bill of exchange: drawer, acceptor or drawee, and payee. Drawer himself may be the payee. Teen parties hoti hain: drawer, acceptor ya drawee, and payee. Drawer payee bhi ho sakta hai. Section 5 of Negotiable Instrument Act 1881. ये डेफिनेशन थी हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज की. ओके ओके, नेक्स्ट पेज आई हैव जस्ट गिवन अ स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. जस्ट हैव अ लुक एवरीबॉडी, सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ बिल ऑफ एक्सचेंज लुक्स लाइक. ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज वी आर हैविंग एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. Let's see what are they. देखते हैं. It must be in writing. ये हम पहले ही बता चुके हैं कि bill of exchange written form में होना चाहिए, verbal नहीं होना चाहिए. Okay? Next, it must be signed by the drawer. जिसने भी बनाया है उससे sign होना चाहिए उसका. The drawer, drawee and payee must be certain. तीनों पार्टी सर्टन होने चाहिए, मतलब उनका नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए और डेजिग्नेशन भी मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, द सम पेबल मस्ट आल्सो बी सर्टन. कितना अमाउंट पेमेंट करना है ये भी सर्टन होना चाहिए. लैंग्वेज में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि कितना अमाउंट पे करना है. नेक्स्ट, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड. स्टैम्प होना कंपल्सरी है. नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी अलोन. अगेन, सिर्फ मनी के पेमेंट की बात हो रही है और कोई चीज़ की पेमेंट की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे मनी हम लीगल टेंडर मनी से भी लगा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल. लास्ट पॉइंट है, कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए कि ऐसा होगा तब हम इतना अमाउंट पे करेंगे या ऐसा वैसा कुछ भी होगा तभी हम अमाउंट पे करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे. दैट इज अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए. फाइन, ये हमारी कंडीशंस थी बिल ऑफ एक्सचेंज की. ओके, नाउ वी आर हैविंग द पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज. फर्स्ट इज ड्रॉअर, द मेकर क्रेडिटर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. जो बनाता है या जो क्रेडिटर होता है वही हमारा ड्रॉअर होता है. नेक्स्ट इज ड्रॉई, द पर्सन डेटर डायरेक्टेड टू पे द मनी बाय द ड्रॉअर. ठीक है, जो डेटर होता है जिसको पेमेंट करना होता है वो हमारा ड्रॉई होता है. नेक्स्ट, आफ्टर अ ड्रॉई डेटर ऑफ अ बिल हैज साइंड हिज असेंट अपॉन द बिल, इफ होल्डर और सम अदर पर्सन साइन ऑन हिज बिहाफ. क्या मतलब हुआ, जब ड्रॉई साइन कर चुका है तो उसके बाद कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे साइन करता है तो उसे होल्डर करते हैं, कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, पेई, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हूम और टू हूज ऑर्डर द मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड बाय द इंस्ट्रूमेंट. मतलब इंस्ट्रूमेंट में जिसको भी पेमेंट करने की बात कही गई है वो हमारा पेई होता है. नॉर्मली ड्रॉअर और पेई सेम होता है. आगे देखेंगे, एंडोर्सर, व्हेन द होल्डर ट्रांसफर और एंडोर्सेस द इंस्ट्रूमेंट टू एनीबॉडी एल्स द होल्डर बिकम्स एंडोर्सर. जब भी हम अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं या एंडोर्सर करते हैं तो जो होल्डर होता है वो एंडोर्सर बन जाता है. ठीक है, एंडोर्सी, जिसको भी बिल
ट्रांसफर किया गया है या एंडोर्स किया गया है वो एंडोर्सी होता है. लास्ट है हमारा होल्डर, अ पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम एंड टू रिसीव द अमाउंट देयर ऑफ. मतलब लीगली जो भी पर्सन एंटाइटल होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पोजेशन के लिए वो पर्सन होल्डर कहलाता है. ठीक है, ये पर्सन एंडोर्सर भी हो सकता है. ओके, आई होप कि आप लोग को पार्टीज क्लियर हो गई होंगी. प्लीज़ ये नाम याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में इससे क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, फाइन. ओके, नाउ वी आर हैविंग क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्स, मतलब बिल्स के क्लासिफिकेशन टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज इनलैंड बिल, देन फॉरेन बिल, नेक्स्ट इज टाइम बिल, डिमांड बिल, ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल. नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में हम ये इनको देखेंगे कि ये क्या होते हैं. ओके, ओके, नाउ पहले दो टाइप ऑफ बिल्स हैं, इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स. जैसा कि नाम है वैसे ही फीचर्स भी हैं, देखते हैं. इनलैंड बिल्स, दोज आर ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया. क्या मतलब हुआ, रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि यहीं के रहने वाले के नाम पर ड्रॉ किए जाएंगे एंड पेबल इन इंडिया, यहीं पर पेबल भी होंगे. ठीक है, फॉरेन बिल्स आर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ये बाहर ड्रॉ किए जाते हैं. दे मे बी पेबल आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, पेबल यहाँ भी हो सकते हैं, आउटसाइड इंडिया भी हो सकते हैं. दे मे बी ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मे भी ये ड्रॉन हमारे यहाँ के रेजिडेंट के नाम पर हो. ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स थे फॉरेन बिल्स के और इनलैंड बिल के. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइम एंड डिमांड बिल. देखते हैं क्या है, पहले टाइम बिल देखेंगे. टाइम बिल, अ बिल पेबल आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इज टर्म्ड एज अ टाइम बिल. ऐसा बिल जिसका पेमेंट एक फिक्स टाइम के बाद होना कंपलसरी ही है उसको हम टाइम बिल कहते हैं. नेक्स्ट, बिल पेबल आफ्टर डेट इज अ टाइम बिल. आफ्टर डेट कोट्स में है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद तुरंत पेमेंट होना जहां पर है उसको टाइम बिल कहेंगे. दीज बिल्स आर पेबल इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम मेंशन इन द बिल. ये मैं बता चुकी हूँ, तुरंत एक्सपायरी ऑफ टाइम के बाद ही पेमेंट होना है. द पीरियड वेरीज अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड ट्रेड कस्टमर और यूसेज प्रिवेलिंग इन द कंट्री. हो सकता हो पीरियड में कुछ वेरिंग आ जाए, लेकिन किस बेसिस पर होगी, जो भी वहाँ पर ट्रेड कस्टम या यूसेज होता है, मतलब कि जो भी वहाँ पर ट्रेडिंग के कस्टम्स चलते हैं कंट्री में, उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ठीक है, डिमांड बिल, अ बिल पेबल एट साइट और ऑन डिमांड इज टर्म्ड एज डिमांड बिल. बिल्कुल ऑपोजिट टाइम बिल के, ऐसा बिल जो तुरंत पेमेंट हो, जिसका जिसके डिमांड पर पेमेंट हो. ठीक है, या साइट का मतलब वो देखते ही देखना, देखते ही पेमेंट होना. ठीक है, दीज बिल्स आर पेबल इमीडिएटली एज सून एज दे आर प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई. जैसे ही ड्रॉई को प्रेजेंट किया जाएगा ये बिल, तुरंत उसको पेमेंट करना है. यहाँ पे कोई टाइम फैक्टर नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट होगा, प्रेजेंट करने के तुरंत बाद होगा. नेक्स्ट, नो टाइम ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड. कोई टाइम मेंशन नहीं किया रहता है पेमेंट का. आपने जब भी ड्रॉई को प्रेजेंट किया उसके तुरंत बाद पेमेंट करना कंपलसरी है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड साइट बिल्स. इनको साइट बिल्स भी कहा है, मतलब देखते ही तुरंत पेमेंट करना. साइट मतलब देखना होता है. ठीक है, आई थिंक वी आर क्लियर विद टाइम एंड डिमांड बिल. ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट डू द लास्ट टू टाइप्स ऑफ बिल्स, अकोमोडेशन बिल्स एंड ट्रेड बिल्स. पहले अकोमोडेशन बिल देखते हैं.
A bill drawn and accepted not for a genuine trade transaction is termed as an accommodation bill. जब भी हम not genuine trade transaction या not regular trade transactions के लिए bill draw करते हैं, तब हम उनको accommodation bill बोलते हैं. Next point. Two parties draw bill on each other purely for purpose of mutual financial help or accommodation. The only purpose of drawing of accommodation bill is mutual financial help. ठीक है? इसके अलावा इसका कोई purpose नहीं होता है. Next point. These bills are discounted with bankers and the proceeds are shared among themselves. ये बिल हम सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट करते हैं बैंकर्स के साथ में और प्रोसीड्स इसको इसकी शेयर करते हैं. ठीक है? ऑन ड्यू डेट्स दे आर पेड. ड्यू डेट्स पे हमेशा पेमेंट होता है. दे आर नोन एज काइट बिल्स और विंड बिल्स. अदर नेम्स ऑफ दिस बिल इज काइट बिल एंड विंड बिल. नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड बिल. A bill drawn and accepted for genuine trade transaction is termed as a trade bill. Genuine regular trade transactions के लिए जब bill बनाते हैं तब हम उसको trade bills कहते हैं. Next point. These bills are drawn on suppliers or contractors on government departments for goods supplied to them. क्या मतलब है? In short, government departments के ऊपर बनता है उनके specific contractors या suppliers के लिए. ठीक है? Next point. These bills are neither accepted by departments nor accompanied by documents of title to goods. So they are not considered as negotiable instruments. क्या मतलब हुआ? ये bills हम departments में accept नहीं करते हैं. ना ही इनके साथ में कोई title to goods का attachment रहता है. Title to good का मतलब है कि जो भी good आप sale कर रहे हो उस गुड के डॉक्यूमेंट्स. ठीक है? तो उसके साथ में कोई हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं. ठीक है? इसलिए इस गुड इस इंस्ट्रूमेंट की कोई लीगैलिटी नहीं होती है और इसी वजह से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ब्रैकेट में नहीं कंसिडर किए जाते हैं. ओके? लास्ट पॉइंट. दीज बिल्स आर यूजफुल ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग एडवांसेस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन दीज बिल्स. क्या पर्पज होता है इस बिल का? सिर्फ और सिर्फ एडवांसेस. एडवांसेस मतलब लोन्स लेने के लिए और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मोड से और वो है क्रिएशन ऑफ चार्ज. ठीक है? जब भी हम चार्ज क्रिएट करके एडवांसेस लेते हैं तो हम इन बिल्स की हेल्प से ले सकते हैं. डिटेल में चार्ज हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके? आई थिंक उस आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है? नाउ विद दिस आई एम एंडिंग द स्लाइड और द टॉपिक्स ऑफ टूडे. आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और एक चीज और मैं कहूंगा कि प्लीज आप लोग अपने MCQ जरूर पढ़ते रहिएगा. इन टॉपिक्स पर MCQ बनाते रहिएगा और उसको जरूर पढ़ते रहिएगा. ठीक है? दैट्स इट.